जो नंबर्स हैं, नंबर का पूरा गेम है, वो इतना मतलब ऐसे होता नहीं है। कभी भी आप विधानसभा या लोकसभा का आप देखेंगे, शुरुआती जो एक घंटा होता है वो किसी एक पक्ष की तरफ ज़्यादातर रहता है, जब तक पोस्टल बैलेट की बात होती है। आप यहाँ पे देखिए कितने चेंजेस आ रहे हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 50 सीटों पे आ गए हैं, बीजेपी 46, यहाँ पे कांग्रेस 40 छत्तीसगढ़ में और बीजेपी 28। तो आप देखिए कैसे चेंजेस आ रहे हैं। यानी कि जब शुरुआत में हमने आपको इलेक्शन सेंटर की तस्वीर दिखाई थी तो वहाँ पे कौन आगे था, वहाँ पे बीजेपी आगे थी, फिर कांग्रेस आगे, फिर बीजेपी आगे, फिर अभी कांग्रेस आगे। यानी कि अभी कुल 50 मिनट हुए हैं काउंटिंग शुरू हुए मतगणना को, और ऐसे में कम से कम 10 बार तस्वीर बदल चुकी है। और सबसे दिलचस्प ये है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी वो देखने को मिल रहा है। तो एग्जिट पोल पे अगर हम भरोसा करें तो एग्जिट पोल में जिस तरीके से नेक टू नेक दिखाई दे रहा था, किसी को क्लियर कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा था, वही अभी पोस्टल बैलेट देख के लगता है कि तस्वीर जो दिख रही है अभी यहाँ पे।